गुड मॉर्निंग। और आज फिर से टूर गाइड और आपको लेकर आया है आरा में। आरा में हमें केजी रोड में वन स्टेप के अंदर है। और यहाँ पे टोटल 20 स्टूडेंट्स ने बिहार एसआई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई किया है। मायका से लेकर ससुराल सबको ही खुश है। अच्छा, शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी परिवार का सपोर्ट मिला तो कर पाए। और बहुत दूर से हम आते थे पढ़ने के लिए। कहाँ से? यहाँ एकौना है एक ठो गाँव, वहीं से आते थे साइकिल से। तैयारी बस लगे हूँ। मैं फिलहाल अभी जेल पुलिस में हूँ। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उधर जॉब छोड़ के यहाँ आके फिर तैयारी करना। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इसको छोड़ना है। भले कभी कभी ऐसे सोचती थी कि जो जॉब है उसको छोड़ देंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ना था। मेरे ख्याल से सर वन स्टेप मेरे लिए 60% है। और हाँ, उसमें खासकर मेरे सबसे अच्छे सर जेपी सर और यहाँ का जो मैनेजमेंट है कन्हैया सर, इन दोनों सर के मेरे लिए बहुत बहुत मतलब दिल से हम उन लोगों को मानते हैं। अगर पीटी में रिजल्ट आ जाता है तो मेंस के लिए जैसे जैसे समय कम बचते हैं तो लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। हम लोगों ने चार पाँच घंटे इन लोगों को पढ़ाए हैं। गुड मॉर्निंग। और आज फिर से टूर गाइड और आपको लेकर आया है आरा में। आरा में हमें केजी रोड में वन स्टेप के अंदर है। और यहाँ पे टोटल 23 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स ने बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि आप जिंदा हैं तो ज़िंदा होने का सबसे बड़ा उदाहरण होना चाहिए कि आप सपने देखते हैं। और मेरा मानना है कि सपने वही देखते हैं जिनमें उसको सच करने की क्षमता होती है। जो इंसान सपने नहीं देखता वो मरा हुआ है। तो आप अगर जिंदा हैं तो सपने ज़रूर देखिए, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत उड़ते हैं। उसका भी जिसने सपना देखा होगा, जिस समय उसने बताया होगा कि एक लोहे का जहाज़ भी आसमान में उड़ सकता है, तो किसी ने भरोसा नहीं किया होगा। सबने कहा होगा कि पागल है ये, लेकिन उसने अपने सपने को जिंदा रखा और इसके पीछे अपनी सारी चीज़ें उसने लगा दी और एक दिन उसने सच करके दिखाया। और आज हम उसी प्लेन से मिनटों में किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि इन सपनों को सच करने में उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जब ये सच हुआ तो उन्हें कैसा लग रहा है। सविता, आपका रिजल्ट आया हुआ है। यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी मेहनत की होगी। यस। अभी घर वालों का रिएक्शन? सबको ही खुश है, मायका से लेकर ससुराल सबको ही खुश है। अच्छा, पहले तो शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी परिवार का सपोर्ट मिला तो कर पाए। और बहुत दूर से हम आते थे पढ़ने के लिए। कहाँ से? यहाँ एकौना है एक ठो गाँव, वहीं से आते थे साइकिल से आते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, तो कितने दिन आपने क्लासेस किया यहाँ पे? मतलब पहले तो पीटी में क्लास नहीं किए थे यहाँ से, मतलब ससुराल से तैयारी किए थे, लेकिन मेंस में मतलब रेगुलर जितना दिन से बैच स्टार्ट हुआ उतना दिन से क्लास किए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत खुश है सबको ही। सबको खुश है। और आप? हम भी बहुत खुश है। आगे फिजिकल की तैयारी बस लगे हैं। सर वैसे हम यहाँ जॉब करते हैं, मेरा घर तो बक्सर है, लेकिन फिलहाल मेरी पोस्टिंग यही थी तो हम प्रिपरेशन यहीं से करते थे। मैं फिलहाल अभी जेल पुलिस में हूँ। ये सर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उधर जॉब छोड़ के यहाँ आके फिर तैयारी करना, और फिर ना तो हम घर पर थे और ना जॉब करते थे, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल हुआ हमको। हम कुछ दिन के लिए वहाँ से छुट्टी लेकर आके यहाँ पढ़ाई करते थे, फिर इधर बहुत दूर रहते थे स्टेशन से उस पार, फिर आने में प्रॉब्लम होता था और उधर जॉब छोड़े हुए थे, फिर भी मैंने क्योंकि ड्रीम था मेरा ये, इसको कैसे भी पूरा करना था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इसको छोड़ना है। भले कभी कभी ऐसे सोचती थी कि जो जॉब है उसको छोड़ देंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ना था। इसको बस इतना यही था कि कैसे भी करके इसको क्वालिफाई करना है एग्जाम को। और हमारे सर लोग का बहुत सपोर्ट मिला कोचिंग से, बहुत अच्छा लग रहा है सर, रिजल्ट आ गया अच्छा लग रहा है। मैं तो फीलिंग बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और घर वाले भी अच्छा ही महसूस कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही हो। यहाँ का तो मेरे को ऑल सब्जेक्ट ही मतलब अच्छा रहा, जैसे मेंस में तो मैथ रीजनिंग और फिर जीएस का तो है ही 70 से 80 क्वेश्चन, मतलब जीएस से भी था और मैथ से 5 या 6 क्वेश्चन थे और रीजनिंग से भी 12-13 क्वेश्चन थे।
क्या अभी तैयारी कर रही हो हाँ? और भी जनरल एग्जाम के लिए हाँ? उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि यहाँ का मतलब जो भी फैकल्टी है वो बहुत अच्छे हैं लोग, या जो आना चाहते हैं या एडमिशन लेके अपना पढ़ सकते हैं, तैयारी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू मैम, आपके भविष्य के लिए हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। हम पंडितपुर से आते हैं, बड़हारा तरफ से, नेक्स्ट फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं। वन स्टेप का तो हाथ है, वन स्टेप मैं फर्स्ट बार आई थी ना, तो एसआई की तैयारी के लिए ही आई थी इसमें, तो उससे टाइम क्लास नहीं चल रहा था, फिर मैंने जनरल में एडमिशन करा लिया, क्लास करे फिर फॉर्म आया ना, तब से मैं एसआई का क्लास करने लगी। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। तो अभी आपका भी रिजल्ट आया हुआ है ना? जी, मेरा भी रिजल्ट आया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वन स्टेप बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर मन में चाहत हो तो कोई कुछ भी कर सकता है, और यहाँ पे सबसे अच्छे जेपी सर हैं। अच्छा, जेपी सर बेस्ट हैं, हम लोग उन्हीं से पढ़े हैं, और वो अकेले इंसान हम सबको साथ लेके चले हैं, और वो अपने ही दम पे हम लोग को पढ़ाए हैं और ये आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है मेरी तरफ से। अच्छा, आपकी तरफ से सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो आपकी सफलता आपकी मेहनत में आपका कितना परसेंटेज है? मेरा 30%, लेकिन मेरे अंदर जज्बा भी वहीं भरे हैं। जेपी सर ही। अच्छा, इसको मेहनत करने का जज्बा भी वहीं भरे हैं, सिखाए भी वहीं हैं, सब कुछ किए हैं, क्रेडिट उनको पूरा क्रेडिट है मेरे तरफ से। तो अभी तो आपके घर वाले बहुत खुश होंगे? हाँ, बहुत खुश हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए। बहुत खुश हूँ सर। अच्छा जी सर। और घर वाले? घर वाले मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और शायद वो सोच रहे हैं कि इस बार अमित क्वालिफाई कर जाए, फिजिकल भी निकाल ले और इसका सिलेक्शन हो जाए, यही दुआ कर रहे हैं सब। एक ख्याल से सर, वन स्टेप मेरे लिए 60% है, और हाँ उसमें खासकर मेरे सबसे अच्छे सर जेपी सर, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है कन्हैया सर, इन दोनों सर के मेरे लिए बहुत बहुत मतलब दिल से हम उन लोगों को मानते हैं, और उन्हीं लोगों को मेरा सारा क्रेडिट जाता है रिजल्ट आने का। ये जेपी सर से हम कोशिश करेंगे कि उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू से सर। जय प्रकाश कुमार, लेकिन जेपी सर के नाम से मैं क्यों सुनता बहुत बढ़िया, जेपी सर हम लोग के बीच मौजूद है, स्टूडेंट से बात करने के बाद पता चला सारा क्रेडिट जेपी सर को ही मिल रहा है, तो आप छुपे हुए थे, आपने हमें बताया भी नहीं। भाई क्या ऐसा आप में खास है जो लड़के को इतना मोटिवेट आपने कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है सर, बात तो ये है कि यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है, जी जी, मैनेजमेंट का भरपूर सपोर्ट रहता है, और ख़ास करके जैसे प्रेम सौरव कन्हैया सर है, तो लड़कों को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं वो, और उन्हीं से हम भी सीखे हैं मोटिवेट करने का। और जैसे ब्रजेश सर भी हैं यहाँ पे, मनीष सर हैं, या जितने भी यहाँ पे लोग मतलब फैकल्टी के रूप में हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो एकदम मन से काम करते हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे जीरोक्स कराना या फोटोकॉपी कराना, मतलब उन लोगों की जिम्मेवारी, एक अपना जिम्मेवारी लेके चलते हैं, और हर चीज़ टाइम पे होता है, जिसके चलते यहाँ के लड़के मतलब ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। और इसमें योगदान है इसमें आपका, इसमें मैनेजमेंट और मेरा दोनों योगदान है। सबके बारे में आपने बता दिया, आप अपने बारे में बताइए सर। हम एज ए स्टूडेंट और टीचर काम करते हैं। अच्छा, वन स्टेप में पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाते भी हैं। मैं जीएस का फैकल्टी हूं, और हम 2016 से पढ़ा रहे हैं, तो धीरे 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 मुझ में कुछ ऐसा आ गया जिसके चलते मैं अब क्वेश्चन को मतलब पकड़ लेता हूं, जैसे जान जाता हूं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। जैसे मेंस में मैंने उन लोगों को कोई थ्योरी व्योरी कुछ नहीं पढ़ाया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था, और टाइम कम रहता है तो आप कितना थ्योरी पढ़ा पाइएगा? टाइम जैसे 2 महीने का है, तो इतने सारे सब्जेक्ट जीएस में पढ़ने हैं तो क्या पढ़िएगा? तो उन लोगों को मैंने क्वेश्चन छाटाई करके प्रैक्टिस सेट इतना ज़्यादा कराया था, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन टच कर गए थे एग्जाम में, जिसके चलते ये फ़ायदा हो गया उन लोगों को। अजय भी सर, आप बेसिकली कहाँ गए हैं? बेसिकली मेरा घर मिया के बगल में पड़ेगा। कौन सा गांव सर? वसाई। अच्छा, तो अभी आपका भी रिजल्ट आया हुआ क्या सर? हाँ, मेरा भी रिजल्ट आया हुआ है। अच्छा तो मुझे पता भी नहीं चला कि जेपी सर इवन जब मैं प्रेम सर से भी बात कर रहा था तो जेपी सर की चर्चा आ रही थी कि जेपी सर जैसा फैकल्टी यहाँ पे, और जेपी सर स्टूडेंट के बीच में बैठे हुए हैं, और मुझे पता भी नहीं है। यहाँ पे सिस्टम है ना सर, जैसे हम लोग को ज़्यादा मन करता है कि अगर पीटी में रिजल्ट आ जाता है तो मेंस के लिए जैसे जैसे समय कम बचते हैं तो लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। हम लोगों ने 4-4, 5-5 घंटे इन लोगों को पढ़ाए हैं, और रविवार को भी बुला के 1 बजे तक इन लोगों को पढ़ाया गया है। अब तो भगवान करे कि अगर आपकी नौकरी हो जाए, और हो जाएगी,
तो फिर तो आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगे? अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन होने के बाद अभी शिक्षक अगर नौकरी ज्वाइन कर लें तो बाकी इतने सारे स्टूडेंट जो आने वाले हैं उनका क्या होगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब अभी कहीं दे रहा हूँ कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, परिस्थिति के अनुसार अब देख रहे हैं। आप जैसे शिक्षक की हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मेरे जैसे कितने शिक्षक हैं ऐसा नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र ठाकुर। जितेंद्र ठाकुर, आप कहाँ से आ रहे हैं? हरदिया सर, जगदीशपुर थाना में पढ़ता है। जगदीशपुर थाना में, अच्छा, तो यहाँ पे कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं आप? डाउन करते हैं? कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं। बहुत खुश है घर वाले, बहुत खुश। हाँ, और आप? हमारा दोस्त भी है, बहुत खुश है सर। आप? बहुत खुश हैं हम। ये कब से तैयारी कर रहे हैं सर आप? हम कर रहे थे 2015 से। 2015 से और ये 18, तो ये पहला रिजल्ट है आपका? नहीं, रिजल्ट तो 4-5 निकाल दिए हैं। अच्छा, 4 पुलिस वाला निकाला है, 1 दरोगा का निकाला है, मेरिट नहीं बन पाया। अच्छा। अब सबसे अच्छा जेपी सर का जो देते थे क्वेश्चन, हाँ, बहुत सेट, बहुत अच्छा था। तो भी स्टूडेंट हो ज्वाइन कर सकते हैं वन स्टेप, 1-1.5 साल में उन लोगों को सफलता जरूर मिल जाएगा यहाँ से। तो अभी हमारे साथ आ चुके हैं प्रेम सर, तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो सर, बोलिए, कैसे हैं सर? कैसे क्या है, बहुत बढ़िया है। इन स्टूडेंट की सफलता, हाँ, बच्चे खुश हैं तो हम भी बहुत खुश हैं। स्टूडेंट की सफलता पे आप क्या कहेंगे? हम इस स्टूडेंट की सफलता पे, हम इन लोगों के भविष्य निर्माता हैं। ये जो सब इंस्पेक्टर का जो निकला है एक मायने रखता है। सब इंस्पेक्टर का जो बच्चे बच्चियाँ रिजल्ट निकाली है एक मायने रखता है, समाज के लिए, जिला के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए और गुरु के लिए। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, इसमें सभी लोगों का योगदान रहा, जैसे मेरा भी रहा, जो पढ़ाते थे शिक्षक उनका भी रहा और बच्चे बच्चियों का भी रहा। इन लोगों ने भरपूर साथ दिया। छात्र की सफलता पे एक शिक्षक को कैसा लगता है? छात्र की सफलता पे एक शिक्षक को वैसा ही लगता है जिस तरह से उसके माता पिता का कॉलेज 32 इंच हो जाता है, 64 इंच, उसी तरह से गुरु का भी क्या बोलते हैं सीना 68 इंच हो जाता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। प्रेम सर बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं इनकी जो भी बातें होती है। आने वाले दौर के लिए आप और क्या प्रिपरेशन करने जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप फ़ायदा पहुँचा सकें? मैं आगे आने वाले भविष्य में बच्चों का डिपेंड करता है वे वैकेंसियाँ, जैसे आगे अभी बिहार उत्पाद विभाग दरोगा, RPF दरोगा, RPF कांस्टेबल, SSC GD और CGL, जो CGL जो होता है इंस्पेक्टर रैंक का होता है और उसमें इंटरव्यू पोस्ट होते हैं, नॉन इंटरव्यू पोस्ट होते हैं। तो इन सभी पोस्टों की तैयारी हम जोर शोर से करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो इस आरा शहर में। कम से कम मेरे द्वारा इस ज़िले में अगर 1,00,000 घर हैं तो कम से कम 50,000 घर में दिया जले इस संस्था के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, जो हम रोज़गार दे रहे हैं यहाँ के बच्चों को। जो भी हमारे यहाँ बच्चे होते हैं सर, उनके अभिभावक का बहुत बड़ा सपना होता है सरकारी नौकरी का, बहुत बड़ा। तो उन अभिभावक से आप क्या कहना चाहेंगे सर? उन अभिभावक से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चियों और बच्चे पे ज़्यादा विश्वास रखें, धैर्य रखें, उनको समय दें, उन पे मेहनत करें और वन स्टेप संस्था पर खास करके वो एक विश्वास रखें। यहाँ 24 घंटा शिक्षा की व्यवस्था है, रात हो चाहे दिन हो, यहाँ पे टीचर एनी टाइम उपलब्ध रहते हैं। और मैं खास करके बच्चियों पर लेकर जीवन कहूँगा कि वो फ्री करें, ये न सोचे संकीर्ण माइंड कि मेरी बेटी 2 घंटा से गई है तो 4 घंटा क्यों लगा दी, क्योंकि मेरे संस्था 4 घंटे के अलावा 6 घंटा पढ़ाती है, 8 घंटा पढ़ाती है। तो कम से कम एक विश्वास का पात्र हम बने। 15 सालों में अभी तक हम विश्वास के पात्र हैं और भविष्य में हम विश्वास के पात्र रहेंगे।
हम प्रेम सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं, वन स्टेप को बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हमारे समाज में जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है ये ऐसे ही रिजल्ट देते रहेंगे, वन स्टेप संस्था ऐसे ही करते रहेगी। ईश्वर करेगा आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए हम कामना करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि हम आपको भोजपुरी का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। वन स्टेप में हम फिर आएंगे, ये आखिरी बार नहीं है, फिर आते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे यहाँ से कैसे स्टूडेंट और बाहर निकल रहे हैं और कैसा वो कर रहे हैं। तो बरसात का मौसम है, ख्याल जरूर रखिए अपना, फिर मिलेंगे, नमस्कार, थैंक यू।